तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। और दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं, आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको जो है थोड़ी पेशेंस रखनी होती है और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को बाई करके होल्ड करना होता है, क्योंकि यदि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को होल्ड करोगे तो आपका पैसा बाई डिफ़ॉल्ट बनता रहेगा और आपको जो है अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, यदि मार्केट वॉलेटाइल है तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को खरीदते रहो, बाई करते रहो, अकमुलेट करते रहो, क्योंकि जब मार्केट रिवर्सल शो करती है तो फिर मौका नहीं मिलता है बाई करने का। तो आज भी आप देख सकते हो, आज हम एक ऐसा स्टॉक कवर करेंगे जिसमें के बहुत ही बड़ी तेज़ी है, 10% से भी ज़्यादा रैली इसके चार्ट में दिख रही है। और ये जो स्टॉक है 154.80 की प्राइस पे चल गया है। सुबह से ही इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन गया है, तो इसका हम नाम भी जानेंगे और इसकी लेटेस्ट अपडेट भी चेक करेंगे, देखेंगे कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आ रही है। नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज ये जो स्टॉक है 154.95 की प्राइस पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी दैट वाज अराउंड 141.05। हाई इसका जो है आप देख सकते हो, अभी इसकी हाई प्राइस ही लगी हुई है और लो इसका 141 का है। तो अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बन गया है। यदि लास्ट 5 डेज़ का डाटा देखें, पहले देखो इस स्टॉक में स्लोली स्टेडली गिरावट ही हो रही थी, लेकिन आज के दिन एक सडन रिवर्सल देखने को मिला है। 140 के अराउंड इस स्टॉक ने सपोर्ट बना के एक बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम शो कर दिया है और 5 डेज़ में अब 3.92% की रैली हो गई है। ये देखो, यहाँ पर स्लोली स्टेडली गिरावट थी, लेकिन रिवर्सल कितना फास्ट दिख रहा है। सिमिलरली 1 मंथ में देखो, ये स्टॉक 4.65% की रैली शो कर रहा है। पहले ये जो स्टॉक है कि रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे रहा था। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी भी 157 का बना हुआ है। यदि ये स्टॉक 157 को निकाल देता है तो फिर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम भी इस स्टॉक में बनता दिखाई दे सकता है। तो आने वाले टाइम में 157 के लेवल पे फोकस करना है। लोअर लेवल पे 140 के अराउंड इसका जो है सपोर्ट जोन है। आज ये जो स्टॉक है कोशिश कर सकता है कि 157 के लेवल को ब्रेक करने की, क्योंकि इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था 150 के राउंड था, वो इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 157 ही है। दोस्तों, 6 मंथ में देखो 83% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना के अपने निवेशकों को दे दिए हैं। तो बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाइए हैं। और यदि लास्ट 1 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स ही देखने को मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स में भी इस स्टॉक ने 272% के मल्टीबैगर ही रिटर्न्स दिए हैं और आजकल इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। मैक्सिमम देखें तो इस स्टॉक में 961% के रिटर्न्स हैं। तो इसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन आजकल स्पेसिफिकली इसके चार्ट में बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम दिख रहा है, अच्छी रिवर्सल दिख रही है। तो आइए इसका नाम भी जान लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करें शिपिंग सेक्टर की कंपनी की, दैट इज़ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक PSU सेक्टर की कंपनी है ये और शिपिंग सेक्टर में जो है वो डील करती है। इट इज़ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑपरेट्स एंड मैनेजेस द वेसल्स सर्विसिंग बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइंस। इट इज़ अंडर द ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है और ये जो कंपनी है 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन के अंडर जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब इसका जो नाम है वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। आइए पहले इसके जो नंबर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं वो 1419 है। रेवेन्यू इस कंपनी का 5000 करोड़ से भी ऊपर है एज पर 2022 डाटा। यदि लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स देखें तो जून क्वार्टर में कंपनी के नंबर इतने अच्छे नहीं रहे थे। रेवेन्यू जरूर जो है रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में फिर भी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी रैली हो गई थी। मार्जिन 83% के हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन सेल्स रिड्यूस हुए हैं 18% के हिसाब से। तो ओवरऑल जो बॉटम लाइन है, ओवरऑल जो अर्निंग है वो 50% के हिसाब से ग्रो हुई है। तो ये भी अच्छा ट्रेंड है। EPS भी 50% के हिसाब से बढ़ गया है। तो आइए दोस्तों, इसकी एक लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं। तो इस स्टॉक में आजकल एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, क्योंकि जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डिवेस्टमेंट प्रोसेस पे फोकस कर रही है। जो भी PSU सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको डिवेस्टमेंट पे फोकस कर रही है। तो इस कंपनी में भी जो गवर्नमेंट है वो जल्दी डिसवेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, द गवर्नमेंट लाइकली टू सून इन्वाइट प्रपोजल्स
फॉर द फाइनेंशियल बिड्स फॉर द शिपिंग कॉरपोरेशन, दिस हैज़ बीन सेट बाई द ऑफिशियल्स। द गवर्नमेंट में इन्वाइट बिड्स विदाउट वेटिंग फॉर द लिस्टिंग ऑफ द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड द SCI's डीमर्ज्ड क्वांटिटी। जैसे आपको पता है शिपिंग कॉरपोरेशन से डीमर्ज करके एक कंपनी बनाई हुई है और उसकी लिस्टिंग से पहले ही जो गवर्नमेंट है वो बिड्स जो है वो इन्वाइट कर सकती है। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। एंड यूजली द फाइनेंशियल बिड्स आर इन्वाइटेड आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ द डिवर्स्ड एंटिटीज़ एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी फॉलोस। तो जनरली क्या होता है, जो बिड्स होती हैं वो बाद में शुरू होती हैं क्योंकि पहले डीमर्जिंग होगी, लिस्टिंग होगी, फिर उसकी वैल्यूएशन होगी, उसके हिसाब से ही जो बिड्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट पहले ही ये जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकती है। द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू सून इन्वाइट द फाइनेंशियल बिड्स फॉर स्ट्रेटेजिक सेल्स ऑफ द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ SCI एंड इज़ मलिंग टू गो अहेड विदाउट वेटिंग फॉर द लिस्टिंग ऑफ द डीमर्ज्ड एंटिटी। तो ये एक जो है लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके कारण के इस स्टॉक में तेज़ी बन गई है। द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विल बी इन्वाइटिंग फाइनेंशियल बिड्स फॉर द SCI सून। देर इज़ नो इशू दैट विल स्टॉप DIPAM फ्रॉम इन्वाइटिंग बिड्स। तो टेक्निकली कोई भी यहाँ पे आप इशू नहीं है क्योंकि डिमर्जिंग होती रहेगी, लिस्टिंग होती रहेगी, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर द लिस्टिंग। तो इसलिए कंपनी जो है वो पहले ही डी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कंप्लीट द स्ट्रेटेजिक सेल्स ऑफ द SCI इन दिस फिस्कल। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसी फिस्कल में जो है डिवेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू सेल 63.73% स्टेक इन द SCI एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू फेच नियरली 3,000 crore। दोस्तों इस कंपनी में अपना जो स्टेक है वो सेल करके गवर्नमेंट 3,000 crore जो है वो जनरेट करेगी। एंड देर इज़ नो रीज़न दैट द SCI स्ट्रेटजिक सेल बिल है नॉट हैपन दिस ईयर। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के कारण ही इस स्टॉक में बहुत ही तेज़ी बन गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी थी, गिरावट थी, लेकिन अब क्लियरली एक ब्यूलिश मोमेंटम इस स्टॉक में बन गया है जो कि आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही फोकस्ड है, डेडिकेटेड है कि वो इस कंपनी को बेचेगी, इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, नियरली 63% का स्टेक सेल करेगी जिससे गवर्नमेंट को 3,000 crore जो हैं वो बनेंगे। क्योंकि दोस्तों डिवेस्टमेंट से क्या होता है, सेल करने से क्या होता है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं। तो इसीलिए ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी बन गई है। फर्दर यदि कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स सही आ जाते हैं तो ये स्टॉक 200+ तक के टारगेट तक ईजिली जो है वो जाता आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पैटर्न लेके इस स्टॉक में आप जो है वो निवेश कर सकते हो। कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस कंपनी को डिवेस्टमेंट करेगी। तो 200+ तक का टारगेट लेके इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 140 के अराउंड इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के आप 200+ तक के टारगेट चेज कर सकते हो। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।